ये है 2022 की न्यू टाटा पंच क्रिएटिव मैनुअल टॉप मॉडल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, टोटल 7 कलर में आती है। प्राइस की बात करें तो पंच क्रिएटिव की एक्सोरूम है 8,41,900 रुपये और इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है 9,95,000। नवल मोटर्स टाटा शोरूम NS2 हाईवे मथुरा में। इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं LED DRL का सेटअप, हैलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं DRL के साथ, और यहाँ पर आपको लंबी सी क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है। सेंटर में टाटा का 3D में लोगो। यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग की फ्रंट वाली ग्रिल। इसकी हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है हैलोजन हेडलाइट के साथ। इस गाड़ी में आपको फॉग लैंप भी मिल जाते हैं नीचे की साइड में, जो कि हैलोजन टाइप के दिए गए हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। अब मैं आपको इसके बोनट को ओपन करके दिखा देता हूँ। बोनट के नीचे में आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिल जाती है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 1199 cc का 1.2 लीटर रेबोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 84.48 bhp की 6000 rpm पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 113 Nm का 3300 rpm पर। इसका जो बोनट है ना, वो काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी का दिया गया है। ऊपर में आपको एक बड़ा सा एंटीना और इसके फ्रंट वाले मिरर के ऊपर आपको 2 वाइपर मिलते हैं, जो कि रेन सेंसिंग टाइप के दिए गए हैं, जो कि बारिश के मुताबिक काम करते हैं। इसके व्हील एरिया की बात करें तो 195/60 R16 के रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ। ऊपर में आपको व्हील आर्क क्लैडिंग मिल जाती है 187 mm की। यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है क्लैडिंग के साथ। बॉडी कलर ORVM मिल जाते हैं विद LED टर्न इंडिकेटर के साथ। इसका जो डोर हैंडल है वो भी यहाँ पर आपको बॉडी कलर के साथ मिलता है। इस गाड़ी का जो B पिलर, A पिलर और जो C पिलर है वो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ब्लैकआउट मिल जाता है। इस गाड़ी की जो रियर प्रोफाइल है वो भी देखने में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसके रियर सेक्शन की ऊपर में चलें तो यहाँ पर आपको एक स्पॉइलर मिलता है, जिसके सेंटर में आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और यहाँ पर आपको डीफॉगर और रियर का वाइपर मिल जाता है। टाटा का 3D में लोगो है, जिसके नीचे में आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। पंच की यहाँ पर आपको 3D में बैजिंग मिल जाती है। इसकी टेल लाइट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको फुली LED टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है, जो कि एक एरो की डिजाइन में दिया गया है। 37 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। पीछे वाले जो बम्पर है वो इसका ब्लैकआउट दिया गया, जिसके दोनों साइड में आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो इसके अंदर में देखें तो यहाँ पर आपको 2 छोटी सी लाइट मिल जाती हैं और ऊपर में आपको मिलती है एक सेल्फ ट्रे और नीचे में आपको 366 लीटर का काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक मिलती है पंचर की किट। अगर आपकी गाड़ी में पंचर हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेपनी का भी टायर देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके सेकंड रो इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी के जो विंडो हैं वो ऊपर की तरफ से खोले जाते हैं, जो कि 90 एंगल पर ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इनसाइड डोर हैंडल क्रोम के दिए गए। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ब्लैक फिनिश मिलती है रियर की पावर विंडो। यहाँ पर आपको वाइट फिनिश और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पीकर का ऑप्शन। और इसकी जो सीट क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको वाकई काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश मिलती है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की सीट मिल जाती हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ साथ यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको कप होल्डर का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके अंदर की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको पीछे वाले पैसेंजर के लिए कोई भी यहाँ पर आपको AC के वेंट नहीं मिलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट रो इंटीरियर की। तो इस गाड़ी के जो फ्रंट वाले जो ORVM है वो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाते हैं, जिससे यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं और यहीं से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं अंदर से बैठे बैठे। यहाँ पर आपको क्रोम के इनसाइड डोर हैंडल, 4 यहाँ पर आपको रियर की पावर और फ्रंट की पावर विंडो मिल जाती है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन। यहाँ पर आपको वाइट फिनिश मिलती है, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, 1 लीटर की पानी की बोतल रखने का स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर आपको अंदर की साइड में स्पीकर के ऑप्शन दिए गए हैं। इसके सीट हाइट एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको हाइट को एडजस्टमेंट करने का एक यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, जिससे आप इसको हाइट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की सीट मिल जाती है, जिसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ से आप इसके
फ्यूल के टैंक के कैप को खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको तीन पैडल मिलते हैं, यहाँ से आप इसके बोनट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप और यहाँ पर आपको इको मोड और हेडलाइट बीम और इंजन स्टार्ट स्टॉप के यहाँ पर बटन दिए गए। यहाँ पर आपको एसी का वेंट मिल जाता है। इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो टिल्ट में आपको इसकी स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, जिसके राइट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, टाटा का लोगो, एयरबैग और इसका जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको हेडलाइट और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल। इसके मीटर कंसोल की बात करें तो सेमी डिजिटल कंसोल दिया है। यहाँ पर आपको स्पीडो मीटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर, रीफ्यूल की बहुत सारी यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिलती है। यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर मिलता है। यहाँ पर आपको सिटी मोड मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको इको मोड की भी इंडिकेशन देखने को मिलती है, जैसा कि इसमें दो ड्राइविंग मोड्स यहाँ पर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 18 किलोमीटर प्रति लीटर का आसानी से माइलेज मिल जाता है अगर आप इसको इकोनॉमी जोन में चलाते हैं तो। इसके डैशबोर्ड की बात करें तो कंपनी ने इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसको काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश डिजाइन में पेश किया है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी वाइट फिनिशिंग मिल जाती है। अब मैं आपको इसके ग्लव बॉक्स को ओपन करके दिखा देता हूँ। इस गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स है वो यहाँ पर कूलिंग टाइप का दिया गया, जिसमें आप बहुत सारा सामान भी कैरी कर सकते हैं, जिसको ठंडा भी रख सकते हैं। इसके साथ ही इस गाड़ी में आपको 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। इसका जो सिस्टम है वो यहाँ पर हरमन कंपनी का दिया गया, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी आवाज़ आने वाली है। यहाँ पर आपको 2 AC के वेंट और यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का बटन और यहाँ से आप इसके रिवर्स पार्किंग का जो कैमरा है उसकी क्वालिटी को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इसको पेश किया गया है टाटा की तरफ से। नीचे की साइड में चलें तो यहाँ पर आपको AC हीटर और एयर के यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसको यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको USB ऑक्स का और यहाँ पर आपको मोबाइल के चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है और कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको टाटा की चाबी मिलती है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और यहीं से आप इसके पीछे वाले बूट को ओपन कर सकते हैं। पीछे में टाटा का लोगो दिया गया है। इस गाड़ी में आपको 5 गियर का मैनुअल सेटअप मिल जाता है। डीजल और पेट्रोल दो वेरिएंट के साथ ये गाड़ी आती है और यहाँ पर आपको भी एक चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है, जो कि 12 वोल्ट का दिया गया। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना। बाकी जो फीचर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।